ये सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से ही दोस्तों आ रहा है, तो आप भी जाकर व्हाट्सएप को अपडेट रखिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें व्हाट्सएप अपडेट क्यों करना चाहिए। जी हाँ, व्हाट्सएप अपडेट क्यों करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में एक सूचना मिली है कि बहुत ही ज़्यादा जो है डेटा जो है चोरी हो रहा है, हैक हो रहा है व्हाट्सएप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं व्हाट्सएप हैक। जी हाँ, हैव आई बीन अफेक्टेड एंड वॉट शुड आई टू डू, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि क्या मैं भी अफेक्ट हो चुका हूँ, यानी कि मैं भी जो है किया जा सका हूँ और किया जा चुका हूँ, या फिर दोस्तों अगर किया जा चुका हूँ, यदि मैं भी हैक हो चुका हूँ, मेरा भी व्हाट्सएप हैक हो चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात उठ कर आती है कि हमें जो है व्हाट्सएप अपडेट क्यों करना चाहिए। आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो लगभग सभी बताते हैं व्हाट्सएप अपडेट क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे तमाम सारे फीचर्स आ गए हैं, ये फीचर आ गया, वो फीचर्स आ गया, हिडन फीचर, फलाना फीचर, ढिकाना फीचर। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये सब नहीं बताने वाला हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें तो है कि व्हाट्सएप अपडेट करने के बाद तो आपको जो है नया फीचर्स है वो इंक्लूड होता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक और भी रीज़न है कि व्हाट्सएप अपडेट क्यों होता है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही खास ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं राम जी टेक्निकल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेन्युइनली व्हाट्सएप अपडेट क्यों करना चाहिए, क्यों हमें सबसे ज़्यादा जो है व्हाट्सएप अपडेट करने की ज़रूरत है, या फिर हमें कोई और फीचर मिले या ना मिले फिर भी हमें व्हाट्सएप अपडेट क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, व्हाट्सअप जो है वो हैक किए जा चुके हैं। हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें भी हैं, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए व्हाट्सअप, ये तो आपका ये व्हाट्सअप हो गया, एक व्हाट्सअप GB है, और फिर व्हाट्सअप बिजनेस है, ये सारे कई सारे एप्लीकेशन है व्हाट्सअप के क्लोन बन चुके हैं। और यदि दोस्तों आप जो है ये यूज करते हैं तो आप जो है हैक कर चुके हैं या नहीं हैक कर चुके हैं, ये आप कैसे जानेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल सा रीज़न है, यदि आप जो है व्हाट्सएप पर या फिर दोस्तों ओल्ड से ही आप जो है अननोन कॉल रिसीव कर रहे हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है, आप भी व्हाट्सएप आपका भी जो है हैक हो सकता है। तो दोस्तों आप जो है अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लीजिए, और व्हाट्सएप अपडेट करने के लिए कोई भी जैसे ट्रिक नहीं है, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं व्हाट्सएप अपडेट कैसे होता है, और आप अपडेट कर लीजिए। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप अपडेट करने के और क्या सारी रीज़न है जो आपको दोस्तों व्हाट्सएप अपडेट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला रीज़न ये है कि आपको जो है सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड होती है ऑनलाइन, जो है ये उसके डेवलपर होते हैं, व्हाट्सएप के डेवलपर होते हैं, वो जो है ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आपका जो व्हाट्सएप होता है अपडेट रहता है। दूसरी बात ये है दोस्तों, यदि आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी अपडेट बोल रहा है, अपडेट आ गया, तो उसको भी अपडेट कर लीजिए। ये आपकी प्राइवेसी के हिसाब से, आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से, आपकी गोपनीयता की हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपका जो है व्हाट्सएप अपडेट रहना चाहिए, समय समय पर आप चेक करते रहिए। और दोस्तों आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम है या फिर iOS है, यदि कोई भी मोबाइल आप जो है यूज कर रहे हैं, कोई भी XYZ कोई भी मोबाइल यूज करते हैं दोस्तों, उसमें भी व्हाट्सएप हैक होने का खतरा है। ऐसा नहीं है कि आप जो है आईफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें हैक नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि ये नेटवर्क से है और नेटवर्क से दोस्तों आपका ये जो है व्हाट्सएप हैक हो सकता है। तो कोई भी मोबाइल चला रहे हो, एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो या फिर कोई भी एनीथिंग, दोस्तों आपको व्हाट्सएप अपडेट रखना पड़ेगा, तभी जाकर तो आप दोस्तों सिक्योर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है कि हम जो है कैसे हमें पता चलेगा कि अपडेट हो, तो जाहिर सी बात है आपको सिंपली जो है प्ले स्टोर में जाकर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। हमने जो ऐसे टाइप किया व्हाट्सएप, तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए व्हाट्सएप मैसेंजर से टाइप किया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर अपडेट आ चुका है, हालांकि ऐसे सिस्टम में नहीं दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों व्हाट्सएप आ चुका है। मैंने अभी यहाँ पर देखिए चेक किया तो इसे नहीं दिखे, तो आपको दोस्तों यहाँ पर जाकर चेक करना होगा। देखिए यहाँ पर कभी कभी तो ऐसे दिखा देता है कि व्हाट्सएप जो है अपडेट आ गया है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों यदि आपको यहाँ पर नहीं मिलता है डायरेक्टली, दोस्तों आप जाइए प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए, आपको तुरंत मैंने सर्च किया तो बता दिया यहाँ पर देखिए अपडेट आया हुआ है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर अपडेट करना ही पड़ेगा, ये सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से ही दोस्तों आ रहा है, तो आप भी जाकर व्हाट्सएप को अपडेट रखिए। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।